आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज की स्टूडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राइज के विलास, जो कि काफी लग्जरी कॉन्सेप्ट के विलास आ जाते हैं। इससे पहले आपने देखा था सेंट्रल नोएडा विलास, अब मैं आपको लेके आया हूँ राइज विलास दिखाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा पूरे विला का, जो इनका सैंपल मिला है आपको। मैं बता देता हूँ जो लोकेलिटी है सेंट्रल नोएडा से वेल कनेक्टेड है। सो गाइस, अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इस प्रोजेक्ट के पास में आपको वैसे ही कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको 10 से 12 बड़े इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे। इसमें आपका लोटस वैली स्कूल है, मिलेनियम स्कूल है, और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। यथार्थ हॉस्पिटल है, फोर्टीज हॉस्पिटल है, जो कि हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप गौर सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो तीसरे गोल चक्कर से राइट लेते ही पहला प्रोजेक्ट आपका कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है राइज रेजिडेंस। आपको मैं बताया था यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो 1.25 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक जाता है। इस विला के अंदर आपको पर्सनल स्विमिंग पूल, लिफ्ट, कार पार्किंग और काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेगी, आपको काफी पसंद आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सैंपल विला का वॉक थ्रू देने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे डिजाइन किया गया है और आप क्या चीज देखना चाहते हैं और आपको क्या समझ में आता है, ये सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। लोकेशन बहुत ही प्राइम है, सेंट्रल नोएडा से हार्डली 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। कनेक्टिविटी आप किधर से भी निकल जाइए, इधर से आप FNGV से भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के सामने अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 60 से 70 फीट वाइड रोड आ जाती है, और प्रोजेक्ट से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्रपोज मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपका एक साइड गौर सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन है और एक साइड आपका आ जाता है नॉलेज पार्क 5 का मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है यहाँ पर प्रोजेक्ट से, और इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में ऑलरेडी 2 लाख+ फैमिलीज रह रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान जगह है, काफी डेवलप्ड यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी और सारी अमेनिटीज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। आप एक बार वॉक थ्रू देखिए, आपको समझ में आएंगी चीजें क्या इसमें अवेलेबल है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने को मिले। तो आप अब एंजॉय कीजिए इसका वॉक थ्रू।